क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यह आधुनिक भारत की ऐसी महिला रही है जिनके बारे में आज भी लोग कम ही जानते हैं। अगर सावित्रीबाई नहीं होती तो आज भी भारत की कोई भी महिला शिक्षित ना हो पाती, ना ही उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो पाता। सावित्रीबाई इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। 9 साल की कम उम्र में ही उनका विवाह 12 साल के महात्मा ज्योतिराव फुले इनके साथ 1840 में हुआ। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले इन्हें 2 संतान थे, जिसमें से यशवंतराव को उन्होंने दत्तक लिया था, जो कि एक ब्राह्मण विधवा का बेटा था। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारतीय समाज सुधारक और कवयित्री थी। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। सावित्रीबाई फुले जाति भेद, रंग भेद और लिंग भेद के काफी विरोध में थी। सावित्रीबाई फुले एक शिक्षक सुधारक और समाज सुधारक दोनों तरह का काम करती थी। भारत में पुराने जमाने से ही बाल विवाह, केशवपन, पति मर जाने के बाद सती जाना यह प्रथा रूढ़ थी। यह एक सामाजिक और मानसिक गुलामगिरी थी। उस समय बहुत सी महिलाएं अल्पायु में ही विधवा बन जाती थी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। उस वक्त उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए महात्मा फुले और ज्योतिराव फुले इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना कराई। पुरुषों के साथ स्त्री भी महत्वपूर्ण है, उसे भी सम्मान के साथ जीने का हक है, यह दृढ़ निश्चय मन में रखकर और ज्योतिराव फुले का महत्वपूर्ण साथ पाकर उन्होंने यह कार्य किया। ज्योतिराव फुले ये ऐसे पहले महान व्यक्ति है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम कार्य किया। ज्योतिराव ने पहले अपने पत्नी को शिक्षित कराया, उन्हें पाठशाला की पहली शिक्षिका बनाई, पर उस वक्त सावित्रीबाई को काफी विरोध दर्शाया गया। उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर तक डाले गए, क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री शिक्षित हो जाने से उनका धर्म डूब जाएगा। लेकिन उस वक्त बड़ी निडरता के साथ सावित्रीबाई आगे बढ़ी। पूना में 1848 में बुधवार पेट में प्रथम महिला पाठशाला शुरू की। उसके बाद 19 सितंबर 1851 में रास्ता पेट में और 18 मार्च 1852 में तीसरी पाठशाला शुरू की। उस वक्त सनातन प्रवृत्तियों के लोगों ने उनको काफी विरोध दर्शाया, पर सावित्रीबाई और ज्योतिराव रुके नहीं, अपना निरंतर कार्य वह करते रहे। अज्ञान यह सभी दुखों का कारण है और अज्ञान से बाहर आने के लिए शिक्षा की ज्योत महिलाओं के अंदर निर्माण हो जाने से वे घर परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है। यह आत्मविश्वास सावित्रीबाई के अंदर पैदा हुआ था। सावित्रीबाई के शिक्षा की रुचि का अभ्यास करते वक्त ज्योतिराव फुले के कार्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सावित्रीबाई के जीवन में ज्योतिबा जी ने शिक्षा की प्रथम ज्योत निर्माण कराई। 28 नवंबर 1890 में ज्योतिराव फुले का देहांत हुआ। ज्योतिराव फुले की मृत्यु के पश्चात भी सावित्रीबाई ने समाज सेवा का कार्य निरंतर किया। उनके मृत्यु के 1 साल बाद पूना में प्लेग की साथ आई। उस बीमारी में भी सावित्रीबाई ने और दत्तक पुत्र यशवंतराव ने वैश्विक स्तर पर मरीजों का इलाज करने के लिए पूना के हड़पसर में अस्पताल शुरू किया। अपने अस्पताल में सावित्रीबाई खुद हर एक मरीज का ध्यान रखा करती थी। यह एक संक्रमित बीमारी थी, फिर भी अपने जीवन की परवाह ना करते हुए उन्होंने सभी मरीजों की सेवा अपने आखिरी सांसों तक की। हर महिला की उद्धारकर्ता सावित्रीबाई फुले 10 मार्च 1897 में यह दुनिया छोड़कर चली गई। एक आदर्श स्त्री, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श शिक्षिका, यह दृष्टिकोण से सावित्रीबाई के विचार और उनका महत्वपूर्ण योगदान हर पीढ़ी के लिए आदर्श रहेगा। मगर दुख तो इस बात का है कि भारत में आज भी शिक्षा के लिए माँ सरस्वती देवी को पूजा जाता है, लेकिन सावित्रीबाई ने अपने पूरे जीवन में स्त्री शिक्षा के लिए जो योगदान दिया, उस कार्य को कहीं पर भी पूछते हुए नहीं देखा जाता। ऐसी महान महिलाओं को हमारा सलाम।